किसी भी फाइट को जीतने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका साइज कितना है और आपके सामने वाले का साइज कितना है। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको सामने वाले के वीक पॉइंट्स का पता होना, क्योंकि आप अपनी बॉडी के जो स्ट्रॉन्ग पार्ट हैं, चाहे वो एल्बो हो या फिर आपका नी हो, आप उनको उसके वीक पॉइंट्स के ऊपर हिट करके उस फाइट को बिल्कुल आसानी से जीत सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल शर्मा और मेरे साथ है हर्ष भारद्वाज। आज हम आपको सेल्फ डिफेंस की कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जिनके करने से आप अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकते हो, चाहे आपके सामने कोई स्ट्रॉन्ग और जो आपसे साइज में बड़ा है वो ही ओपोनेंट क्यों ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका अपोनेंट आपसे साइज में बड़ा है और आपसे ज्यादा ताकतवर है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। और अगर वो आपके ज्यादा नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, तो उस सिचुएशन में जो आपके नकल्स हैं जो और आपकी एल्बो है या फिर नी है, ये आपकी बॉडी का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है और आपको कोशिश करनी है कि आप उसके वीक पार्ट्स के ऊपर इसको हिट करो, चाहे वो रिब्स हो या फिर गला हो या फेस हो या फिर ग्रोइन एरिया हो। ज्यादातर केसेस में आपका अपोनेंट आपका कॉलर पकड़ेगा या गला पकड़ेगा और एकदम से आपको यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ या साइड से थप्पड़ या पंच मारने की कोशिश करेगा। और अगर आपका अपोनेंट इस तरीके से आपका गला पकड़ लेता है और उसके बाद आपको वो फेस पे मारने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको अपने एक हाथ के साथ उसके हाथ को पकड़ना है और उसको नीचे की तरफ एकदम से पुश करना है, और दूसरे हाथ को जैसे ही वो आपको फेस पे मारने की कोशिश करेगा, अपनी एल्बो को ऊपर उठाते हुए इस तरीके से आपको ब्लॉक कर लेना है और अपनी एल्बो का यूज करते हुए आपको एकदम से आगे जाना है। या तो आप गले पे हिट कर सकते हो या आप सामने वाले के कॉलर बोन के ऊपर हिट कर सकते हो, और उसको एकदम से पीछे पुश करते हुए आपको अपने घुटने को ऊपर उठाते हुए सीधा किक मारनी है, और आप उस सिचुएशन से आसानी से अपना डिफेंस कर सकते हो। अगर आपका अपोनेंट आपकी गर्दन को ऊपर से पकड़ के आपको घुटने के साथ आपके पेट पे या आपके फेस पे मारने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हिप्स को थोड़ा पीछे की तरफ रखना है और अपनी एक लेग को बिल्कुल सीधे पीछे की तरफ रखना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए एकदम से आपको उसके घुटने को इस तरीके से ब्लॉक कर लेना है, और उसके बाद आप अपनी हथेली के साथ एकदम से उसके ग्रोइन एरिया पे हिट कर सकते हो या आप अपने घुटने को ऊपर उठा के सीधे ग्रोइन एरिया पे किक मार सकते हो, और किक मार के उसको एकदम पीछे पुश करके उस सिचुएशन से आप आसानी से भाग सकते हो। अगर आपका अपोनेंट आपसे ज्यादा बड़ा है और आपसे ज्यादा ताकतवर है, तो आपको कोशिश करनी है कि वो आपके नजदीक ना आए। कैसे ना कैसे करके आपको उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। अगर वो आगे आने की कोशिश करता है, तो आप इस तरीके से उसको अपने दोनों हाथों के साथ पीछे पुश कर सकते हो, या फिर आप अपने घुटने को ऊपर उठाते हुए जैसे ही वो आगे आने की कोशिश करता है उसको एकदम से ग्रोइन एरिया पे हिट कर सकते हो, क्योंकि वो आयरन का बना हो सकता है, उसका जो ग्रोइन एरिया है वो आयरन का नहीं बना हुआ हो सकता। अगर आप वहां पे हिट करते हो तो एकदम से वो नीचे बैठ जाएगा और आप वहां से उस सिचुएशन से आसानी से आप भाग सकते हो। अगर आपका अपोनेंट आपके ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करता है और आपके साथ हाथापाई या मारपीट करने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपके नकल्स हैं या आपकी एल्बो है, ये आपके शरीर का बहुत ही स्ट्रांग पार्ट है, और आप इन स्ट्रांग पार्ट को सामने वाले के वीक पार्ट्स पे, जैसे कि यहाँ पे रिब्स हो गया, गले पे या फिर फेस पे या घुटने पे, इनको हिट कर सकते हो और आप किसी भी सिचुएशन से आसानी से अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकते हो। ये थी सेल्फ डिफेंस की कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनका आप सामने वाले के वीक पॉइंट्स के ऊपर यूज करके किसी भी डेंजर सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो और अपने आप को किसी भी सिचुएशन से बचा सकते हो। और आप इन टेक्निक्स का यूज तभी करें जब आप किसी डेंजर सिचुएशन में हो और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज आप इनका कहीं पे भी प्रयोग न करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।